आप लाइफ से कैसे डील करते हो ये पता लगाने के लिए मुझे सिर्फ आपका फेवरेट कलर जानने की जरूरत है। Isn't this interesting कि किसी नए इंसान से मिलने के बाद अगर आपको भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ जानना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए, तो उस इंसान के फेवरेट कलर का नाम जानकर आप उस इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। एंड आज इस वीडियो में हम इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब कलर साइकोलॉजी एंड कलर पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दरअसल लेट 1660s के दौरान सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया के सामने पहला कलर व्हील प्रेजेंट किया। ये रेनबो के कॉन्सेप्ट को समझने वाले दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने प्रिज्म का यूज करके व्हाइट लाइट के साथ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और दुनिया को कलर स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। नाउ स्कूल्स में हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया भी जाता है एंड इनफैक्ट दुनिया में आज कलर्स और लाइट से रिलेटेड जो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है उसकी शुरुआत सर आइजैक न्यूटन के इन्हीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही हुई थी। लेकिन थोड़ी हैरानी की बात यह है कि जब आप कलर साइकोलॉजी के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि भले ही कलर स्पेक्ट्रम के बारे में लेट 1660s के दौरान पता लगा हो बट एंशिएंट इजिप्ट में कलर साइकोलॉजी का यूज तो उससे भी हजारों साल पहले ही शुरू हो गया था। एक्चुअली ऑरेंज ब्लू येलो ब्लैक ऐसे कुछ कलर्स का लोगों के मूड और उनकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये एंशिएंट इजिप्शियंस ने हजारों साल पहले ही स्टडी कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर का यूज एनर्जी इंक्रीज करने के लिए किया जाता था, ब्लू कलर का यूज पेन रिलीफ करने के लिए किया जाता था, पर्पल कलर को स्किन प्रॉब्लम से डील करने के लिए यूज किया जाता था, फिर ऐसे ही रेड येलो ब्लैक जैसे कुछ और कलर्स को भी यूज किया जाता था। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी अलग है, अब थेरेपीज के लिए कम और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए कलर साइकोलॉजी को ज्यादा यूज किया जाता है। पिछले कुछ सालों में कलर साइकोलॉजी के ऊपर कई स्टडीज करी जा चुकी है एंड अब बड़े बड़े ब्रांड्स कलर साइकोलॉजी का जमकर यूज करने लगे। सो चलो अब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं एंड जानते हैं कि कलर साइकोलॉजी और कलर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपका फेवरेट कलर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहता है। नंबर वन, कलर ब्लैक। जिन लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक होता है वो एक सोफिस्टिकेटेड और मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। इन लोगों को चीजों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद होता है। ये लोग हमेशा एक पावरफुल पोजीशन अचीव करना चाहते हैं। इन्हें इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है और ये लोग अपनी चीजें शेयर करना ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन ये लोग भले ही हमेशा सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी मेंटेन करने की कोशिश क्यों ना करें पर अंदर ही अंदर ऐसे लोगों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि इनकी कमियां कहीं दूसरे लोगों के सामने ना जाए। सो अगर आपको ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। एलिगेंट, डिटरमिंड, सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल, मिस्टीरियस, फियरफुल, इनसिक्योर, अथॉरिटेरियन एंड इंडिपेंडेंट। नंबर टू, कलर ब्लू। क्या आप अक्सर ब्लू कलर की चीजें खरीदते हो या फिर आपका फेवरेट कलर ही ब्लू है? अगर हाँ तो इसका मतलब है कि आप एक ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड एक रिलायबल इंसान हैं। आप अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड हैं और आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों का फेवरेट कलर ब्लू होता है वो एक अच्छे लिसनर होते हैं, उन्हें रिश्तों की कद्र होती है और रिलेशनशिप्स के मामले में ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि ये लोग थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं और इन्हें चेंज मतलब बदलाव से थोड़ा डर लगता है, इन्हें रिस्क लेने से थोड़ा डर लगता है। सो अगर आपको ब्लू कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑनेस्ट, काम, सिंसियर, कमिटेड, फ्रेंडली, रिलायबल, स्टबर्न एंड कंजर्वेटिव। नंबर थ्री, कलर रेड। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका फेवरेट कलर रेड होता है। देखो रेड एक बोल्ड कलर चॉइस है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले लोग। ये लोग बहुत पैशनेट और एनर्जेटिक होते हैं जो रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते। देखो रेड एक इंटेंस कलर है एंड ये कलर उन्हीं लोगों का फेवरेट होता है जो खुद भी बहुत इंटेंस होते हैं। इन लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि ऐसे लोग एक एम्बिशियस और स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं जिनमें थोड़ा पेशेंस भी होता है। ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और लाइफ को खुलकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इन्हें बैठकर सोचते रहना पसंद नहीं होता। सो अगर आपको रेड कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। एनर्जेटिक, इंटेंस, एक्शन ओरिएंटेड, पैशनेट, डोमिनेटिंग, एग्रेसिव एंड इंपल्सिव। नंबर फोर, कलर व्हाइट। क्या व्हाइट कलर भी किसी का फेवरेट कलर हो सकता है? हाँ ऑब्वियसली होता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ। देखो अगर आपका फेवरेट कलर व्हाइट है तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में ज्यादा क्लटर पसंद नहीं, मतलब आप पेचीदा चीजों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हो। आपके लिए लाइफ में क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप एक नेचुरली पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो
और आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीजों के मुकाबले इनर पीस ज्यादा मायने रखता है। एंड एक और खास बात यह है कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी खुद को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखते हो। सो अगर आपको व्हाइट कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है: ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, सिंसियर, ट्रांसपेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्लाइटली अनफ्रेंडली। नंबर 5, कलर पर्पल। देखो, पर्पल कलर भी कई लोगों का फेवरेट होता है एंड ऐसे लोगों को इमोशनल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा नीड होती है। इन्हें परफेक्शन अचीव करना पसंद होता है। ये लोग नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और थोड़े दयालु भी होते हैं। इन लोगों में एक अलग ही तरह का करिश्मा और कंपैशन होता है जो ऐसे लोगों को भीड़ से थोड़ा अलग बनाता है, और ऐसे लोगों को यूजुअली अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है एंड ये लोग बाकियों के मुकाबले थोड़े ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। लेकिन कभी कभार ये लोग खुद को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, जिस वजह से इनकी पर्सनैलिटी कभी कभार थोड़ी इमेच्योर और एरोगेंट लगने लगती है। सो अगर आपको पर्पल कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है: इमोशनल, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, विजनरी, इंट्यूटिव, इमेच्योर एंड समटाइम्स एरोगेंट। नंबर 6, कलर ग्रीन। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका फेवरेट कलर ग्रीन होता है। देखो, ये एक ऐसा कलर है जो नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, और कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जिन लोगों को ग्रीन कलर पसंद होता है उनके लिए भी पीस और शांति बहुत ज्यादा मायने रखती है। एंड अपने आसपास शांति का माहौल बनाए रखने के लिए अक्सर ऐसे लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक एक्ट करते हैं। इन लोगों को डिप्लोमेसी का यूज करना बखूबी आता है। ये लोग हमेशा आगे की सोचते हैं और पास्ट की चीजों पे फोकस करना और उस पे बहस करना इन्हें पसंद नहीं होता। ये लोग बहुत सोच समझ कर फैसला लेने में विश्वास रखते हैं और गलत फैसला लेने से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल और केयरिंग होते हैं। लेकिन गलती ना कर देने के डर की वजह से ऐसे लोग अक्सर एंग्शियस भी रहते हैं। सो अगर आपको ग्रीन कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है: डाउन टू अर्थ, डिप्लोमेटिक, केयरिंग, प्रैक्टिकल, केयरफुल एंड समटाइम्स एंग्शियस। नंबर 7, कलर पिंक। वैसे तो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग पिंक कलर फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बट क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पिंक सिर्फ लड़कियों का फेवरेट कलर होता है? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना एंड बताना कि आपके कितने फ्रेंड्स का फेवरेट कलर पिंक है एंड आपका वो फ्रेंड मेल है या फीमेल। देखो, यूजुअली जिन लोगों का भी फेवरेट कलर पिंक होता है वो एक बहुत ही केयरिंग और लविंग किस्म के इंसान होते हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बाकियों के मुकाबले थोड़ा कम होता है। सो अगर आपको पिंक कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है: सेंसिटिव, केयरिंग, चार्मिंग, जेनरस, ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड अनकॉन्फिडेंट। नंबर 8, कलर येलो। दोस्तों, इस कलर के बारे में बात करने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। देखो, कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जिन लोगों का फेवरेट कलर येलो होता है वो लोग ऑप्टिमिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं। इन्हें नए आइडियाज पे काम करना बहुत पसंद होता है और इन लोगों का एनालिटिकल थिंकिंग का लेवल बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों की जिंदगी में अनरियलिस्टिक आइडियाज की कोई जगह नहीं होती। इन लोगों की पर्सनैलिटी बहुत डायनेमिक होती है और ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं। ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं और इन्हें ये बात खुद भी बहुत अच्छी तरह पता होती है। लेकिन ये लोग अक्सर अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं और परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में कई बार इन लोगों का नुकसान भी हो जाता है। सो अगर मेरी तरह आपको भी येलो कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है: ऑप्टिमिस्टिक, इंथुजियास्टिक, ओरिजिनल, कम्युनिकेटिव, स्मार्ट, क्रिएटिव, इंपेशेंट, फियरफुल एंड परफेक्शनिस्ट। नंबर 9, कलर ऑरेंज। ये कलर फुल ऑफ लाइफ होने को रिप्रेजेंट करता है एंड जिन भी लोगों का फेवरेट कलर ऑरेंज होता है उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही इंथुजियास्टिक और कंटेजियस होती है। ये लोग लाइफ के हर चेंज को हंसकर एक्सेप्ट करते हैं और ये लोग बहुत ही सोशल और एक ओपन माइंडेड लोग होते हैं। इन्हें एडवेंचर पसंद होता है। ऐसे लोग खुलकर बात करना पसंद करते हैं एंड इन लोगों को अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन कभी कभार ऐसे लोग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा इंपेशेंट भी। सो अगर आपको ऑरेंज कलर सबसे ज्यादा पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी को इन कुछ वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है: पॉजिटिव, ओपन माइंडेड, इंथुजियास्टिक, एडवेंचरर, स्पॉन्टेनियस, सोशल, टॉलरेंट एंड इंपेशेंट। सो इसी के साथ कलर साइकोलॉजी के इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बेस्ड ये वीडियो समाप्त हुई। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे लिखकर बताना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है एंड आपके फेवरेट कलर के बेसिस पे क्या मैंने आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ठीक बातें बताई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।